ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है जिन्होंने अपनी टीम को 92 के वर्ल्ड कप में जिताया और बिल्कुल इसी तरह जिताया, वी वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, बट उनकी कप्तानी, उनकी लीडरशिप बड़ी बात की जाती है कि उन्होंने मोटिवेट किया प्लेयर्स को, वर्ल्ड कप जिताया। खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, थैंक यू। सबसे पहले एक दो बातें, वैसे तो क्योंकि आई नो ये लास्ट आपका प्रोग्राम है तो मेरी इंजी के साथ बड़ी खूबसूरत यादें हैं, सुहेल तवील, इनको मैं तनवीर नहीं सुहेल तवील कहता हूँ द्रास का होने की वजह से, इनके साथ मेरी बड़ी यादें हैं, सिक्कू के साथ हैं। लेकिन दो चीज़ें मैं समझता हूँ क्लैरिफाई करनी बहुत ज़रूरी है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने घबराना नहीं है, पाकिस्तान टीम की शिकस्त का जिम्मेदार ये एक साजिश है नून लीग की, है प्रोपेगेंडा कर दिया कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, जिसकी वजह से हमारी टीम विकेटें बचाती रही कि मुश्किल वक्त में हो सकता है विकेट काम आ जाए, दिल छोटे हो गए, विकेटें बेचनी पड़े घर चलाने के लिए। एक सेकंड, हसन अली ने कैच छोड़ दिया कि भाई कैच पकड़ लूंगा तो जनरेटर चलाना पड़ेगा, जनरेटर चलाना है तो फ्यूल डालना पड़ेगा, पेट्रोल महंगा हो गया, घबराना नहीं है। अब हम वाकई घबराने लगे, क्यों किस बात पे घबराने लगे, तीन साल से सुन के घबराना नहीं है, अब वाकई डर लगने लगा है। लेकिन देखे लोग कह रहे हैं, कौम ये कह रही है कि आपने, आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस से जिस वक्त ये बयान आया कि जब पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो आप वहां पे देखने जाएंगे, उस वजह से काम खराब हो गया। लोग तो ये भी कहते हैं, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी प्लीज आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करना ताकि हम जीत जाएं, तो क्या मैं ये बात भी मान लूंगा, मान लो ऐसे कह रही थी, ऐसे नहीं है मेरी बात। अच्छा खैर, मैं तो आज ये चाह रहा, अच्छा आपसे जस्ट पहले मैं टीवी देख रहा था, हाँ। तो सिकंदर वक्त मेजबानी कर रहे थे तो यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था फ्रूट सैलेड है और सफेद पत्तों वाली मूली बैठी हुई है। क्या कैसी क्रिकेट पे बात करें ना, आज वर्ल्ड कप का फाइनल था, वो वर्ल्ड कप का फाइनल देखें, क्रिकेट पे मैं अपने साथियों के बारे में बात करें, सिकंदर मेरे दोस्त हैं बहुत पुराने, हमारी बड़ी बेहतर याद है सीखू, मैंने आपको एक दफा कहा था प्लीज मुझे गाना सिखाओ मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, इन्होंने कहा मैं 2000 आपको दूंगा आप मुझे नहाना सिखाओ, क्योंकि ये नए आए थे ना उनको सुहाना बात लेना नहीं आता था। कोई घबराना नहीं है, अब तो घबरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं आपकी बातें सुन, जल्दी से मुझे बताएं, मुझे अगले सेगमेंट की तरफ जाने के, मसला क्या हुआ, पाकिस्तान टीम ने क्या गलत किया आपके ख्याल में, क्यों नहीं क्वालिफाई कर सके फाइनल के लिए? देखें शहजाद, फिर बात लंबी हो जाएगी, अब ये इंजी बैठे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से इंजी समझते हैं, आपको अपना माइंड, अब इंजी और मुशी हैं ये मेरे बच्चों की जगह थे, हाँ। मतलब मैंने सिर्फ इनके नैपियां नहीं बदली, बाकी इनकी मैंने सोच बदली, अप्रोच बदली, मैच ये बदले हैं ये आपकी वजह से बदले, पहले ऐसे नहीं थे ये, आज इनसे पूछें चुप होके बैठे हैं वरना चुप हो जाते हैं आपके सामने, बिल्कुल ही आपने मतलब इतना होल्ड, इतनी कमांड रखा है कि इतने साल बाद भी कोई बात नहीं करते आपके सामने, शहजाद हराम है इनजी किसी डमी को टिक के बैठने देते हो, आज जरा देखो तो ओ देखो तो ये इंजी है। क्या वैसे इंजी, इंजी भाई खान साहब की डमी के सामने भी आप कुछ नहीं कहते, ये बहुत ही कोई रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप लगता है, नहीं कप्तान है हमारे की के जी तो डमी तो, है नहीं डमी है, मैं नहीं कह सकता मैं नहीं, आप डमी के सामने भी घबरा जाते हैं बेसिकली, नहीं घबरा नहीं जाता, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये कि जी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तो मैं इसलिए यारी चीज़ नहीं करता। थैंक यू इंजी, बहुत ज़्यादा यानी ये रिस्पेक्ट का लेवल, और ये मैंने विन की है खुद, सुहेल को देखे ना, सुहेल मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितने नफीस से आदमी हैं।